चैनल और आज एक वीडियो है हम देखने वाले हैं द फीट ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स दैट अमेरिका विल ऑलवेज रिमेंबर. तो ऐसा कोई लेसन है, कुछ स्टोरी है अमेरिका एंड पाकिस्तान के बीच में, पता नहीं क्या है. तो देखते हैं कि वीडियो क्या है, उसके बाद बताते हैं आपको. क्यों शुरू करें वीडियो? ओके लेट्स प्ले. सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के दो पायलट्स ने अमरीकी बहरिया और फिजाइया का गरूर खाक में मिला दिया. इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी. इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया. नाज़रीन ग्रामी 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका मशकें शुरू थी जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया. जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था के फिजा से समंदर पर हमला किया जाए. इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लंकन के करीब जाकर इस पर मस्नूई हमला करे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था. अमरीका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर लेंगे और इन पर हमला कर देंगे. इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुर उम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा. अमरीका को यह तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रेडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता. और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है. और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर जो मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थे. दोस्तों जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं. लेकिन इस मिशन पर सिर्फ दो ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने मेराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था. प्यारे दोस्तों अफसरान की सिलेक्शन के बाद दो पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे. विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फिजाइया के कमांडर आर्ट के ऑफिसर भी थे. चुनाचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की. विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमरीका आज 3 मई का दिन क्यामत तक याद रखेगा. विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी. पाक फिजाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया. विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा. थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवे प्रवास हो गए. दोस्तों अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवे प्रवास थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रेडार पर नजरें जमाए हुए थे. वो इस इंतजार में थे कि जो ही पाकिस्तानी त्यारे रेडार पर नजर आए तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें. लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है. दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवे परवाज थे कि अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया जो कि एक खतरनाक पैगाम था. दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए. अमरीकी बहरी बेड़े को उस वक्त सांप सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ उनके सरों पर मंडलाने लगे. बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया जो कि एक मस्नूई हमला था लेकिन ये एक कामयाब अटैक था.
इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे रेडार की नजर से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद ही आहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज मेराज त्यारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमरीका को ये बावर करवा दिया कि तुम पाक फिजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और त्यारों के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमरीका के ग्रोह को खाक में मिला दिया और इनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी शहीनों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल के इस शेर पर मोर साबित कर दी, जो उन्होंने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो दोस्तों, आप लोग भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और अपने जवानों को सलाम जरूर पेश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। तो हाँ भाव, क्या बोलना? इसमें अमेरिका जो था वो पाकिस्तान पे हमला करने वाला था, तो फिर पाकिस्तान को इसका पता चल गया तो उन्होंने हमला कर दिया, तो वो जीत गया। और चिंकी तो हाँ बोल, बोलो। हाँ, अपनी बात करो फिर, मैं मेरे को तो बोलना ही है। हाँ बोलो। अरे बोल ना। हाँ बोलो। अरे बोलो नी हुकम बावची। हाँ अरे बोलो नी हुकम बावची। ओके, तो इसमें जो बताया है ना, उसमें जो बताया है कि जो जितने भी विमान होते हैं ना, जो फाइटर प्लेन होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो जमीन से ऊपर उठते हैं, वो हवा में ऊपर फ्लाई करते हैं, तो रडार उनको पकड़ लेता है। तो बिल्कुल पास में उड़ेंगे ना सतह के, तो वो रडार में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते हैं। तो इसलिए वो शौक हो गए कि यार ये कैसे, ये इन्होंने कैसे कर दिया। तो उसमें काफ़ी रिस्क रहता है, प्लेन के क्रैश होने का काफ़ी रिस्क रहता है। जमीन के, ये ज़मीन है या फिर समुद्र की सतह है, तो उसके बिल्कुल पास में अगर उड़ेंगे तो बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि वो हवा का दबाव नहीं रहता नीचे, प्लेन के नीचे हवा का दबाव नहीं। अपन कागज़ का प्लेन बनाते उड़ता नहीं है, तो वो एयर प्रेशर की वजह से हवा ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जब नीचे ही बिल्कुल रहता है तो दबाव बिल्कुल रहता नहीं है, तो वो उसके नीचे क्रैश होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें एक करेज चाहिए रिस्क लेने का, है समझ में? तो ये चीज़ उन्होंने कर दी और जो पाकिस्तान थे वो भौचक के रह गए। ओके, आया समझ में कि नहीं आया? अमेरिका के, अभी बोला पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका के, अमेरिकन ऐसी स्टोरी है। तो इन्होंने बताई है, तो बिल्कुल एक जो लास्ट में उन्होंने बोला था कि हथियारों से जंग नहीं, जज्बे से जीती जाती है, सही है ना? एक जुनून भी होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे बोल नहीं पा रहे हैं अभी, बोलने में इनको कॉन्फिडेंस है नहीं, और बाद में एक दूसरे के बाल खींचते हैं, बाल खींचते हैं या फिर एक दूसरे की जुएं ढूंढते हैं, पता नहीं। ये तो मेरे लिए भी सस्पेंस है। तो ठीक है, तो ये था वीडियो, है ना? तो फ्रेंड्स, और भी कोई न्यू वीडियोज़ हो जो रिलेटेड हों, जो हमारे इन्फॉर्मेशन से बाहर हो, तो प्लीज़ मेरी इंस्टा आई डी पर आप सेंड कर दीजिए, भाव की इंस्टा आई डी पर भी सेंड कर दीजिए। और डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस हैं अबाउट पाकिस्तानी सिटीज़, मैंने भी काफ़ी सर्च की, एक प्रॉपर तरीके से पूरे वीडियोस मिल नहीं पाते मेरे को, तो पाकिस्तानी सिटीज़ के बारे में कुछ डिफरेंट्स हो,
वहाँ की जो कल्चर को शो करे, जो एक्चुअल सिचुएशन है जो हम देख नहीं पाते हैं, जो एक मीडिया के थ्रू हम कभी नहीं देख पाएंगे, जो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं जो अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं उनके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें देख पाते हैं। और काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद मुझे रियलाइज़ भी होता है कि वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बोलते हैं और एक जैसी हरकतें ही हैं। सुधरना चाहते हैं पर ये एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सच बोल रहा हूँ मैं, ये हकीकत भी है। तो ओके मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ, बाकी ये मेरा बाल खींचने लग जाएंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी के लिए बैठाया रखा है मैंने इनको। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके और बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए।